नमस्कार जी, कैसे हैं आप दोस्तों? मार्गशीर्ष माह शुरू हो चुका है और इस महीने में अगर आप कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो आपकी किस्मत भी दोस्तों चमक सकती है। दोस्तों, बुधवार 13 नवंबर 2019 से नया हिंदी माह अगहन स्टार्ट हो गया है, जो कि 12 दिसंबर गुरुवार तक जारी रहेगा। इसका अन्य नाम मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं। यह महीना भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कहा गया है। इन दिनों में श्री कृष्ण की उपासना का खास महत्व है। खासकर इस महीने आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपकी किस्मत भी दोस्तों चमक उठेगी। दोस्तों, इस महीने में भगवान को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस महीने आप बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करें। भगवान को ये चार बृहस्पति जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। मार्गशीर्ष के ये महीने के बृहस्पति हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दही खाना है, बेसन खाना है, भगवान को हल्दी चने का दाल का भोग लगाना है, केले की पेड़ की पूजा करनी है। हल्दी और चने की दाल से आप केले की पेड़ की पूजा जरूर करें। और इस महीने में आप भगवान विष्णु चालीसा जरूर सुने। इस महीने में नित्य श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करें। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करें, जिससे घर में दोस्तों शांति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधिक से अधिक समय तक जरूर करें। इस महीने से संध्या काल की उपासना दोस्तों अनिवार्य हो जाती है। यानी जिस टाइम सूरज भगवान डूब रहे होते हैं उस टाइम आपको भगवान के सामने जरूर ज्योत जलाना है, भगवान के सामने जरूर पूजा करनी है, थोड़ा देर जप करना है, भगवतो नमो नमः। इस प्रकार से आप कोई भी जप कर सकते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम दोस्तों होती है। यदि आप इस महीने में तेल की मालिश करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर करते हैं, तो एक तो उनका शारीरिक विकास होता है और एक उसमें उज्जवा और एक उत्तेजना, एक चमकता हुआ चेहरा जरूर आता है। दोस्तों, अगहन के महीने में जीरे का सेवन दोस्तों नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अगर इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो इसे ना गंवाएं। जैसे मान लीजिए आप हरिद्वार में हैं तो आप गंगा नदी में जरूर नहाएं। यदि आप पश्चिम बंगाल में हैं तो महानंदा, यहाँ पे बहुत अच्छी नदी बहती है, तो वहाँ जरूर स्नान करें। इस महीने से मोटे परिधानों का प्रयोग भी दोस्तों स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे इनर है आप पहन सकते हैं। और इस महीने में आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप मोटे कपड़े निकालें, उन्हें जरूर पहनें। बच्चों को तो खासकर आपको पहनाना ही है, इनर है। और अगर कुछ आपको लगे कि हाँ ठंडा मौसम है तो उन्हें आप स्वेटर भी पहना सकते हैं। श्री कृष्ण को तुलसी के पत्तों का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण दोस्तों जरूर करें। जैसे श्री कृष्ण को तुलसी जी जो है वो बहुत पसंद है, तो जैसे आप नित्य संध्या करेंगे तो एक ज्योत जलाकर तुलसी जी पहले ही आपको रखनी है। अपने एक चांदी की कटोरी में आप रख लें, और चांदी की कटोरी अगर नहीं है तो स्टील की कटोरी में भी आप रख लें। और प्रसाद जरूर, भगवान का भोग जरूर तुलसी दल से जरूर लगाएं। इस महीने से चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों का सेवन दोस्तों स्टार्ट कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष के इस पवित्र महीने में अगर आपने खास बातों का ख्याल रखा तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना की
और उनका भजन कीर्तन किया तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। अतः इस महीने को व्यर्थ न गवाते हुए धर्म कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।